बच्चों ये जो लेटर्स लेते हैं ना ज्यादातर इंग्लिश लेटर्स में से उनमें से लेते हैं, सम योग। तो समझिए 5.3 के लिए पहले हम सूत्रों से अवगत कराएं आपको, समझिए। और ये वाला सूत्र तो कहीं पे भी यूज आ सकता है बच्चों, ये एन वाला भूलना नहीं है, समझिए। एस एन, एन पदों का योग, सूत्र है एन अपॉन टू, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। ये ऊपर की तरफ है बच्चों, ये एन अपॉन टू, ये ऊपर की तरफ, अंश में ये दोनों है, हर में बेचारा केवल दो है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यस 2a एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, कम ऑन, समझिए बच्चों। एक मिनट एक बात सुनो, अगर मैं यहां पे ना इधर इधर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं इसको a और a दो टुकड़ों में तोड़ लूं, ये 2a है ना, तो 2a को a प्लस a लिख लिया प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बाकी ये एन अपॉन टू ऐसे के ऐसे है, तो ये जो यहां तक की चीज है ना बच्चों, ये वाली ये ऐसे ऐसे करके, ये वही ए एन है जो अभी यहां लिखा हुआ था। तो इसका दूसरा एक सूत्र और मार्केट में घूम रहा है, ए प्लस ए एन, जिसको अंतिम पद और प्रथम पद इनका योग, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, समझिए। या एस एन बराबर एन अपॉन टू, ये एन लिखा है बच्चों मैंने, एक्स मत मान लेना इसको, ये एन है एन, यस यहां पे ए प्लस ए एन, कई जगह पे ए एन को एल एल लेटर भी दे रखा है, ए प्लस एल, एक ही बात है वो ए प्लस एल। अब बच्चों ये सूत्र हमने आज बता दिया ना आपको, अब जिन बच्चों ने आज नहीं देखी क्लास तो वो दिक्कत आती है बच्चों उनको, फिर वो तकलीफ ही पाएंगे, क्योंकि ये चीज तो हमने आज समझा दी आपको, तो आप लगातार ही देखिए बच्चों इसकी, ये आईसीटी की ये क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिए, इस पे आधारित है सवाल, जैसा सवाल की मांग होगी उसके अनुसार करेंगे वो। ए एन का सूत्र भूलना नहीं आप लोगों को, वो तो बीच बीच में आ ही सकता है। आइए 5.3 जो 124, एक का डबल दो, दो का डबल चार, 124 समझिए, हिंदी मीडियम की बुक्स में और इंग्लिश मीडियम की बुक्स में वो पेज नंबर कितने पे है वो हम अभी आपको बताए।